हेलो वेलकम ब्लॉगर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग में कुकीज का पॉपअप कैसे शो करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये अक्सर वर्डप्रेस की साइट पे होता है कि वर्डप्रेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कुकीज का पॉपअप शो करवा सकते हैं, पर आप ये ब्लॉगर में भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो वीडियो का कंटिन्यू देखते रहिए, मैं पूरा सेटअप इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आप भी आसानी से आप अपने ब्लॉग में कुकीज का पॉपअप शो करवा सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। चैनल से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉगर में कुकीज़ का पॉपअप शो करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर का डैशबोर्ड को ओपन कर लेना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ। देन इसे व्यू ब्लॉक करके यहाँ पे व्यू ब्लॉक भी ओपन कर ले आप। ओके, और हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों कि सबसे पहले आपको चेक करना आपके ब्लॉग पे कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसे आप क्रिएट करेंगे। हम लोग पेजेस पे चले जाते हैं, देन यहाँ पे चेक करते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी का मेरे पास पेज बना हुआ है। इसे व्यू पेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। इस पेज की URL को हम लोग को यूज़ होगा, इसलिए हम लोग जैसे यहाँ पे व्यू करके इसे ओपन कर लेते हैं। डन, इस पेज का हम लोगों को यूज़ करना है। मेक श्योर कि आपके पास ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो, देन आप आगे बढ़ेंगे। ओके, देन आपको यहाँ पे नया टैब ओपन करना है। इस नया टैब पे मैं आपके साथ एक URL शेयर करूँगा जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस URL को जस्ट URL पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएंगे, जैसा कि देख सकते होंगे आप। इस वेबसाइट पे आते ही दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना डाउनलोड ओपन सोर्स पे क्लिक करना है। देन नीचे की ओर आना दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना ओपन सोर्स एडिशन। ये ठीक है, ये एकदम बिल्कुल फ्री है दोस्तों, जरा सा भी इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे नीचे आएंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग स्टार्ट कोडिंग। स्टार्ट कोडिंग देख के आप लोग डरिए मत दोस्तों, विदाउट कोडिंग है। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। देन यहाँ पे देखो दोस्तों, आप पूछ रहा है वो पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे जो कुकीज़ का आपको पता होगा कि कैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट में हमने देखा होगा कि यहाँ पे कुकीज़ का पॉपअप वगैरह शो करता है, तो उससे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पोजीशन पे क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पोजीशन देख सकते हैं कि कौन सा साइड में रखना चाहते हैं उस पॉपअप को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैनर बॉटम में। अधिकतर आपने देखा हो कि कुकीज़ का जो पॉपअप है वो बॉटम में ही होते हैं, तो हम लोग इसे बॉटम में रहने देते हैं। तो लेआउट पे क्लिक करते हैं। लेआउट पे हम लोग चार तरह का लेआउट में आपको दिया गया है, वन बाय वन चेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एडलेस को सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। डन, देन इस पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये ब्लॉग इसलिए ओपन करवाया था क्योंकि यहाँ पे कलर वगैरह देख सकते हो कि जो कलर आपके ब्लॉग पे थीम में वगैरह है सेम उसी टाइप का पॉपअप आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। मेरे हिसाब से, मेरे ब्लॉग के हिसाब से यहाँ पे कलर मैच कर रहा है, आई थिंक ये वाला। देन देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे दिख रही है गॉटेड का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे लर्न मोर दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी का URL को यहाँ पे डालेंगे। देन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक पूछा जा रहा है जिसे हम लोग को यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये ओपन करवाया था। इस लिंक को जस्ट कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे उसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। डन, देन फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज़ यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दें। देन लास्ट में आता है कस्टम टेक्स्ट। कस्टम टेक्स्ट कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गॉट इट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं, क्लिक हियर लिख सकते हैं, या लर्न मोर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं आप। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वेबसाइट इज कुकीज़ फॉर इंसर, यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, बट कुकीज़ के लिए सेम ऐसा ही रहता है, बट आप इसे चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं। ये सारा सेटिंग कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, मुझे दो कोड दिया गया, इस दोनों कोड को आपको यूज़ करना है आपके ब्लॉग पे। पहला कोड जो है वो साफ साफ बोला जा रहा है यहाँ पे, बिफोर हेड जो क्लोज है उसके ऊपर इस कोड को पेस्ट करना है। तो हम लोग इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी HTML पे क्लिक करते हैं, ये कोड जो है मेरा कॉपी हो चुका है। अपने ब्लॉग पे चले आते हैं, देन थीम पे चले आते हैं। आपका अगर न्यू इंटरफेस है तो आपका सेम एज इट इज होगा, अगर आपके पास ओल्ड इंटरफेस हो तो एडिट HTML पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कस्टमाइज के बगल में, एडिट HTML पे क्लिक करते हैं हम लोग। देन यहाँ पे कर्सर को क्लिक करके कंट्रोल F करते हैं, यहाँ पे क्लोज हेडर को हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, आप इसी तरह से सर्च कर लेंगे क्लोज हेड को। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो हेड है वो क्लोज हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि क्लोज हेड के पास इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो क्लोज हेड के पास चले आए हम लोग, यहाँ से एंटर करते हैं क्लोज हेड से बिफोर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा बिफोर, है ना, बिफोर द क्लोज हेड। तो यहाँ पे उस कोड को हम लोग कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। देन सेकेंड थिंग, हम लोग को दूसरा कोड भी दिया गया, इस कोड को कहाँ पेस्ट करना है, बिफोर बॉडी के टैग के ऊपर, ठीक है। ये बिफोर जो बॉडी, इस कोड को पहले कॉपी करते हैं हम लोग, देन यहाँ पे अगेन बॉडी सर्च करते हैं हम लोग, कंट्रोल F, देन क्लोज बॉडी, देन एंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बॉडी क्लोज हो रहा था, इसके ऊपर में जैसे कर्सर को रख के कंट्रोल V करके इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन थीम को सेव करवा देंगे। सेव होकर आप अपने ब्लॉग पे चले जाते हैं दोस्तों, इस ब्लॉग को रेफ्रेश करके देखते हैं। आई होप सो कि यहाँ पे वो बुकीज का पॉपअप शो होने लगेगी।
तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे वो कुकीज का पॉपअप जो है वो शो होने लगी। तो देखा दोस्तों, मैंने कितना इजी वे में आपको बताया कि आप अपने ब्लॉग में कैसे कुकीज का पॉपअप को शो करवा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आप भी आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, जरूर से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।